अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे ना मैं डिनर बना रही थी, तो डिनर में एकदम हल्का फुल्का खाना बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सी मुंह में दर्द हो रहा है मेरे। काफ़ी टाइम बाद, अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिन से ऐसा तो दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मुंह में दर्द हो रहा। तो आज दाल चावल पतला पतला खाएंगे बटाटे की कतली के साथ। तो यहाँ पे बस यही मैंने गरम तेल के अंदर राई ऐड कर दी है और थोड़ा सी कड़ी पत्ता ऐड कर दिया और साथ ही साथ कांदा ऐड किया। उसके बाद कांदा कच्चा पक्का पक गया, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी। उसके बाद ये आलू ऐड कर दिए पतले पतले काट के। तो बस अभी इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सी नमक ऐड करके इसको अच्छे से हिला के इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। कोई पानी वानी नहीं डालना है, सिर्फ तेल में बनाना है। तो ये आराम से पक जाएगा, 5-6 मिनट के अंदर ये कतली आराम से पक जाती है और बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ खाने के लिए। मेरा तो फेवरेट खाना है दाल चावल, और ये आलू की भाजी बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में इसको आलू की कतली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने साइड में ना दाल भी चढ़ा दी है कुकर के अंदर, और साथ ही साथ मैं ये देखती रहूँगी। और आपके भाईजान और उज़मा गए हैं बाहर, ये दूध लाने के लिए गए हैं और बिल्ली लोग के लिए खाना लाने गए। तो ऐसा तब तक वो लोग आते हैं, तब तक मैं यहाँ खाना बना दूँगी। वैसे भी दाल चावल और ये भाजी बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में पक के रेडी होता। और ये जो चावल है ये है दोपहर के राइस है, ये इतने चावल बच गए थे। तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और यही कुकर को धो के इसी के अंदर मैं अभी ताज़े चावल बना दूँगी, क्योंकि दोपहर में बनाई थी तो मैंने सोचा था रात में कुछ रोटी या सालन ऐसा कुछ बना दूंगी, लेकिन नहीं, अब नहीं हो रहा मेरे से सालन गोश्त। मैंने उसमें से पूछा था मच्छी बनाओ के बेटा, तो उसने मना कर दिया आज मच्छी खाने से, तो नहीं बनाई फिर मैंने। तो ऐसा है। और अगर आप लोगों ने अभी तक के मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काली पन्नी दिखाने बोल ना, तू तो काली पन्नी दिखा रहा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बोलो गुड मॉर्निंग। उसे अपने को करती है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। शर्मा रही है कहानी बन रही। बस 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 बस, कॉपीराइट अगर आया तो मेरे बहुत टेंशन होता होगा। ऐसा है तो अभी हम दोनों ने तो नाश्ता कर दिया, उसका नाश्ता करना बाकी है। तो आप लोग क्योंकि वो अभी उठी है, अभी भी नहीं उठने का था उसको, बाहर निकालो चल के। मेरा पैर का दर्द जब जाएगा ना तब मैं उठूंगी। बारिश आई थी और चली भी थी। हाँ, मस्त बारिश थी एकदम। मतलब कितने मिनट? मोटी 1-2 मिनट की बारिश थी। तो आज हम लोगों ने नाश्ते में बनाया था पोहा। पोहा काफी दिन बाद घर में बन रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज शेयर कर देते हैं। काफ़ी टाइम से पोहा नहीं बनाया घर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ना सेंग को मैंने तेल में ना पहले फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से, और सेंग फ्राई होने के बाद उसको मैंने निकाल लिया। उसके बाद यही गरम तेल के अंदर मैं थोड़ी सी राई ऐड करूँगी, थोड़ा सी कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कांदे को ना पतला पतला स्लाइसिस में काट के ले लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पहले काफ़ी टाइम बाद बोले तो इतना भी ज़्यादा टाइम बाद नहीं बन रहा पोहा, लेकिन हाँ पहले कैसा मैं कभी भी बनाती थी ना पोहा, तो मैं वीडियो में ज़रूर शूट करती थी। और आप लोग कमेंट करके, कुछ लोग हाँ पूछते थे पोहा किसको कहते हैं। देखो इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होता है पोहा किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं पोहा इसे कहते हैं, ये राइस का बना हुआ होता है। और कुछ लोगों के कमेंट थे कि कड़ी पत्ता किसे कहते हैं, तो देखिए कड़ी पत्ता इसको कहते हैं। मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, हरे मसाले के साथ कड़ी पत्ता आ ही जाता है, मिल ही जाता है। तो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना कड़ी पत्ता और राई के बाद कांदा ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने हल्दी ऐड कर दी, और हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी आधा चम्मच है ना शक्कर ऐड करती हूँ। और कांदे के अंदर मैंने ना 2-3 हरी मिर्ची काट के ले ली थी। अच्छा लगता है पोहा इस तरह से बनाएंगे ना, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है खाना। और यहाँ पर मैंने पोहे को धोकर रख लिया था। पोहे को अच्छी तरीके से धोएंगे ना अपन, उसका जो वाइट वाइटपन जो होता है ना वो निकल जाएगा ना, तो खुले खुले अच्छे 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 से पकता है पोहा। लेकिन अगर अपन उसको सही से नहीं धोएंगे ना तो फिर वो चिकट चिकट हो जाता, इसलिए उसको अच्छे से धोने का। और अब बस मैंने उसके अंदर थोड़ा सी नमक ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिला लिया है। और यहाँ पे मैं कोथमीर तोड़ रही हूँ, कोथमीर पूरी पीली हो गई, उसमें से जो मुझे हरी हरी दिखी थोड़ी बहुत वो मैंने निकाल ली है। अभी उसमें उसको और छाटना है, वो मैं बाद में छाटती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना कोथमीर को भी धो के काट के उसके अंदर ऐड कर दिया है। बस अभी इसको कुछ नहीं, अच्छे से हिलाना है और 2 मिनट इसको गर्म मतलब पकाना है फास्ट आँच पे।
तो ये देख सकते हैं मेरा पोहा है जो वो रेडी हो गया, अच्छा खुल्ला बनता ही है, बिल्कुल चिपकता नहीं। तो यही खाया हम लोग ने आज नाश्ते में। कहना चाहेंगे आपके फेवरेट एक्टर मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई, तो आप प्लीज कृपया करके रोइए मत। यकीन नहीं हो रहा यार, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई, मतलब सुबह सुबह अभी ऐसा सुनने को आया कि हार्ट अटैक आया उसको, मतलब ऐसी उसकी पर्सनैलिटी देख के तो लगता नहीं था कि कभी मतलब ऐसा, लेकिन बोलते ना वक्त का भी कोई बोल नहीं सकते कब क्या होगा। अभी सुनी मैं शेरू का, एक्चुअली में मैंने वीडियो देखा, उसके बाद पूरा समाचार देखा तो पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो अब इस मौत जिंदगी का कोई तो भरोसा है नहीं, तो ऐसा है। स्ट्रेंज स्ट्रेंज, मुझे भी यकीन नहीं हुआ एक्चुअली मैं मोरी में था। मेरा फेवरेट बिग बॉस का कंटेस्टेंट था वो, मेरा फेवरेट बिग बॉस का कंटेस्टेंट। और अभी लास्ट वीक में, लास्ट वीक में डांस इंडिया में भी आया था शहनाज के साथ, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, ऐसा अचानक में मतलब ये खबर थोड़ी। तो आप इतना रो क्यों रहे हो? लेकिन अरे रोना नहीं, थोड़ी सी जज्बात ही हो गई भाई। चलो हटोगे? अरे तुम जाना, मूड चेंज होना जरूरी है। हाँ हाँ मेरा मूड ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं मेरी मम्मी का क्या हाल हो रहा होगा सिद्धार्थ शुक्ला की डेट के बारे में सुन के? मेरे घर में तो सबको अच्छा लगता है, सबको मतलब सबको। बस मैं तो तैयार हूँ, चलिए दिन मैं आता नहा के। सही में यार, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा मुझे, अभी भी दिमाग में वही घूम रहा है। 40 साल की उम्र में आज लोग बहुत सारे, जैसे मेरे बाबू जैसे लोग क्या बोलते बताए, वक्त है कल करेंगे परसों करेंगे, बहुत टाइम है। कई बार सुना है मैंने ये चीज, वक्त आएगा ये वो, कोई वक्त कौन सा वक्त आएगा, वक्त का कोई भरोसा है कब क्या हो जाए? अभी भी समझ आ रहा है जो तुम डायलॉग मारते हैं, बहुत वक्त है अपने पास, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे देखेंगे, कुछ बोलेंगे अभी? वक्त का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए जो आज करना है तो आज ही करना है, कल पर कुछ नहीं छोड़ना है, चाहे फिर वो जिंदगी हो फैमिली हो कुछ भी हो। तुमको तो अपने मतलब की बात है यार, कल काई को मैच खेलो बोले, मैं आज ही मैच खेल लेता हूँ। बेकार आदमी आपके भाईजान, मैं समझाना चाह रही हूँ कोई चीज समझते नहीं, लेकिन क्या है ना वक्त का भरोसा, यकीन नहीं हो रहा सिद्धार्थ। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन हूँ वगैरह, ऐसा नहीं है, लेकिन बिग बॉस में जितना उसको जाना है ना, सीजन 13 मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट था वो, क्योंकि वो कभी कोई दिखावा नहीं, जैसा था हार्ड पर्सनालिटी, अगर गुस्सा आ रहा तो गुस्सा करना है उसको, ये भी नहीं था मैं टेलीविजन पे हूँ क्या हूँ, जो थी पर्सनालिटी उसने वहाँ पे वही दर्शाया, लेकिन उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी में कभी दिखा नहीं, मतलब ऐसे मैं मुझे तो नहीं दिखा, क्या पता मुझे उसके आगे का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब भी देखा किसी से भी मिलता था तो अच्छे से मिलता था, फोटो खिंचाता था, तो क्या बोलूं कोई शब्द नहीं। अभी कूपर हॉस्पिटल में मैंने अभी समाचार देखा, कूपर हॉस्पिटल में है, पोस्टमार्टम होगा, ये समाचार देख रही थी मैं अभी, 3-4 बॉडी के बाद उसका पोस्टमार्टम है वगैरह ऐसा सब देख रही थी। तो दुख तो देखो गैरों के लिए भी हो ही जाता है, क्योंकि जिंदगी मौत ऐसी चीज़ है, मौत के बारे में सुनो तो गैरों के लिए भी आंसू निकल ही जाते, तो ऐसा। खैर वैसे मेरा एक व्लॉग रनिंग था, वो व्लॉग आप लोगों को कल मिल जाएगा, मेरा रूटीन चालू था आज का, लेकिन क्या पता जो लोग अनजाने ये खबर से शायद ये मेरे वीडियो से, जैसे मुझे किसी के वीडियो से पता चला, शायद आप भी पसंद करते हो उसको, अगर आपको नहीं पता तो मेरे वीडियो के ज़रिए पता चल जाए, इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर कही है बस, और कुछ नहीं। तो अब जा रहे थे हम लोग अपने घर पर, तो वो व्लॉग जो आज कंटिन्यू हो रहा था वो आप लोगों को कल मिल जाएगा। ओके चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय, अपना ख्याल रखना।